बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ गया छटके मोटर कार, सेहरा सज गया ओए। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं अभी डाल रहे हैं हम शादी का, सना की शादी का पार्ट टू। तो ये है पार्ट टू का दूसरा, मतलब पार्ट टू है। तो अभी ये इससे आगे का है जो मैंने इससे पहले व्लॉग डाला है। यहाँ मैंने उसका लास्ट करा था जहाँ से अभी मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ ही मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ बैठे हैं हमारे भांजी भांजे, भतीजा भतीजी और अरसलाना। तो ये सारे सब बच्चे दिख ही रहे हैं, आदिल बैठे हुए हैं। तो बच्चों के सबके मैंने उनके नाम नहीं लिए हैं, तो नाम तो चार पांच बैठे हुए थे। ये अहसान को लेकर बैठे हुए हैं, चाचा भतीजे बैठे हुए थे। ये अहसान है चाचा की गोद में। तो यहाँ मेरे से बड़े वाले बहनोई बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी तबीयत खराब है, ये टोपी लगाकर जैकेट में। वसीम और आदिल उमर को लेकर है और आदिल हसन को लेकर थे। तो देखिए हसन के मम्मी पापा आ गए, ये रहे फैसल और हिना, और राइट मैन के भाई भी खड़े हिना के। तो बस हिना यहाँ बैठी खड़ी हुई थी। और ये हैं हमारे चाचा के लड़के हैं, ब्लैक में बैठे हुए हैं। तो बस सभी बैठे हुए हैं और अभी देख रही हूँ मैं, उस टाइम तो मैंने देखे ही नहीं थे। यहाँ मेरे बड़े बहनोई बैठे और हमारी बड़ी नंद भी बैठी है ग्रीन सूट में, सीमा बाजी। तो बस ये अभी देख रही हूँ मैं कौन किधर बैठा था, उस टाइम मुझे नहीं पता लग रहा था। तो देखिए ये ब्लैक में जो बैठे हैं ये भी हमारे चचा के लड़के हैं, और बीच में भी, और ये भी हमारे भाई हैं। तो यहाँ देखिए बात हो रहा है, ये एक रसम है जो शादियों में होती है, शादी के दिन ये बेटे बेटी की शादी होती है। तो जो शादी करती हैं उनके, मतलब अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो उनके भाई आते हैं या वालिद आते हैं उनके, तो वो पट्टा डालते हैं सर पे। ये एक वो है रसम होती है, वो बात उसका नाम है। तो बात हो रहा है, तो बात जिनके यहाँ होता होगा तो उनको मालूम होगा। ये तो ये दोनों भाई आए हैं हमारी भाभी के, और ये छोटे भाई हैं जो डाल रहे हैं, और या चेक के उसमें बड़े वाले दो भाई हैं, और ये पीछे छोटे इनके बेटे खड़े हुए बच्चे, यानी कि हमारी भाभी के भतीजे हैं। तो ये दिख रहे हैं पीछे से अपने पापा आ गए हैं। तो बिट्टू है ये दिख रहा है, इनका नाम वैसे है, निकनेम है ये। तो ये भाभी भी आ गई हैं, छोटी वाली और बड़ी वाली साइड में। तो दो भाई हैं, दोनों भाभियां हैं हमारी भाभी की, और उनके पीछे हमारा भाई भी है। तो ये बात चल रहा है, हम ही खड़े हुए हैं यहाँ पर, और हम लोगों का भी काम होता है थोड़ा सा। तो जो वो होती है नंदे या घर की जो लड़कियां हुआ करती हैं, तो उनको भी ये भतीजे हैं हम, छोटी छोटे हैं लेकिन ये भी मतलब भाई और भतीजे ये काम करते हैं, जैसे कि सभी रिश्ते में रहते हैं ना, जो भी लगते हैं मामा चाचा, तो ये वाला काम यही होता है। तो ये कौन आए हैं जिन्हें मैंने तो नहीं मतलब पहचान रही हूँ, और वो हमारी भाभी के कुछ हैं लगते हैं जो भी है। तो मैके में से ये मैं खड़ी हूँ, आलिया खड़ी है। तो यहाँ भी कुछ देना होता है जो साइड में खड़ी हुई होती है नंदे या उनकी बच्चे जो भी, तो वो एक ये भी चीज होती है। ये भी उनके कोई हैं जिसे, जिनको चाचा के लड़के जो भी होंगे, मैं नहीं जान रही हूँ, तो मैं कम जानती हूँ हमारे उनके जो मायके वाले हैं, भाभी के खाला हैं, उनके बहुत सारे चाचा माशाल्लाह है, और वो है मामा। हाँ तो मैंने पूछ के रखा है उनसे कि ये फूफो हैं उनकी और फूफा हैं उनके, तो मैंने कुछ कुछों को याद रखा है कि ये कौन थे ये कौन थे। तो ये उनकी बड़ी फूफो फूफा हैं, तो वो सब उनकी बेटी हैं ये, तो उनके हाथ से ये सब बड़े लोग होते हैं, ये नेक करते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारे यहाँ सभी शादियों में हुआ करता है, जब हमारे यहाँ भी हम लोगों की हुई थी तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी हुआ था। तो यहाँ आ गई हैं आलिया और शमा। तो आपने अब मेरा गला खराब है, उसकी हल्दी की और मेहंदी की वीडियो में देखा ही होगा, और जाहिर सी बात है गला तो खराब रहेगा क्योंकि ये शादियों में आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो हो जाता है ऐसा। तो बस ये सब डाल रहे हैं, ये भी इनके खाला के लड़के हैं, तो इन्हें मैं जानती हूँ, ये यहीं रहते हैं पास में। तो कुछ जिनको मैं जानती हूँ उनको बता दूंगी, और जिनको मैं जानती नहीं हूँ
बस ये खाला खालू भी आए थे इनके, और ये इनके ये भी इनके वो हैं, मतलब रिश्ते में हैं। हाँ बस सब इनके वही आ रहे हैं, या तो खाला है, चाचा है, माँ, सब ये आ रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है। तो सभी आ रहे थे जिनको मैं पहचानती नहीं हूँ, तो मैं इनको पहचानती हूँ। तो ये हैं नमीरा के भाई और मेरी देवरानी के, और उनकी अम्मी हैं, तो ये भी इनकी चच्ची हैं और चचा के लड़के हैं, भाई हैं। तो ये आई हुई हैं, और ये मतलब ये भी इन्होंने भी वही भात डाला था, मतलब भात डालना है ये रस्म में। तो ये भी सब इनके चाचा ताऊ और यही आ रहे हैं सब, जो कि ये इस तरीके से सभी वहाँ के लोग आते हैं जो जिनकी बेटी के यहाँ शादी होती है, बेटी या बेटे की जिनकी भी होती है। बस ये पुरानी रस्म में अभी थोड़ी चल रही है, अभी कुछ जगह पर जहाँ चल रही है वहाँ चल ही रही है। तो बस ये इसी तरीके से चलता रहेगा, और ये फिर ये चीजें होती रहती हैं, और जो लेन देन होता है वो इसी जगह पर हो जाता है। जैसे कोई अपने यहाँ पर शादियों में आते हैं और अपनी बहन जी भतीजी इनकी होती है, तो वो यहाँ पर दे देते हैं। हम जो है यहाँ, हम पुप्पो हैं, तो हम ये वाला काम इधर का नहीं करेंगे। तो बस ये चल रहा है इन लोगों का है, सब ये मीठा मुँह करा देते हैं बस उनका। तो बस ये खड़े हुए हैं, अभी कोई बाकी रह गए होंगे उनका इंतजार कर रहे हैं, सभी बैठे खड़े हुए कोई जो भी रह गए हैं, और यहाँ फोटो खींच रहे हैं। तो फोटो वाले कह रहे हैं हमारी तरफ देखो, वीडियो वाले कह रहे हैं हमारी तरफ देखो, तो ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ दिखवाते हैं, इसी तरह फोटो खींच रहे थे। और ये भी बड़े बहनों ही आए हैं इनके, तो बड़ी बहनों के यहाँ से भी ये बात आता है, लेकिन छोटियों के यहाँ से नहीं आता है। तो ये बड़े बहनों ही आए हैं इनके, और ये बात में जो भी इनको देना लेना होता है यहाँ पर ही हो जाता है, और इसी जगह पर जो करते हैं मायके वाले वो यहाँ पर दे देते हैं, और जो हम यहाँ के पप्पो वगैरह ये अपना हम घर में ही दे देते हैं, जैसा हुआ करता है ये। वो बस यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत चला करती है, और भी साथ में दूसरे भी नेक हुआ करते हैं, तो बस थोड़ा सा इनको तो जानते ही हैं तो सभी, क्योंकि बड़े वाले बहनों हैं, तो फिर हंसी मजाक चल रहा था और मजाक में इनको कुछ कुछ कहा जा रहा था। तो यहाँ खड़ी है सना की खाला भी इनके साथ में, पीछे जोड़ा लगा कर है छोटी शबनम, और ये फरहाना देखिए हमारे ब्लैक सूट में कितनी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर कुछ नेक की बातें चला करती है, यहाँ हो रहा है निका सना और मौसीन, यानी कि मेरी भतीजी और इनका रात आई है मेरे भतीजे दामाद, तो यहाँ निका हो रहा है। और यहाँ मैं अपनी वीडियो का ही एंड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो और बड़ी रहेगी ज्यादा। तो बस आज व्लॉग पार्ट 3 में देखना, क्योंकि पार्ट 3 आएगा और मैं ज्यादा बड़ी डाल नहीं सकती। तो यहाँ निकाह हो रहा है, तो बस मेरे वीडियो यहीं होती है ख़त्म। दुआओं में मुझे याद रखे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है।